कोई नहीं है तेरे साथ, क्योंकि सबके मन में संदेह है। तेरे मानने वाले भी तेरा साथ छोड़ रहे हैं, और क्यों ना छोड़े, क्योंकि सब जान चुके हैं कि ये काम असंभव है। अब ये सड़क नहीं बन सकती। हरिओम। मैं साईं के साथ हूं। हम भी साईं के साथ। हम भी साईं के साथ हैं। हम सब साईं के साथ हैं। हम सब दिन रात काम करेंगे साईं। हाँ, हम सब दिन रात काम करेंगे साईं। देखता हूँ कितने दिन तक बिना रुके काम कर पाते हो। हरिओम। सरकार, सरकार, ये फकीर तो बहुत तेज निकला। अनवर से काम नहीं बना तो उसकी आधिकारिक को अपने झांसे में ले लिया। हाँ सरकार, और आपने तो कह भी दिया कि देखते हैं, लेकिन अगर उन्होंने समय रहते सारा कार्य पूरा कर लिया तो फिर क्या? सरकार, संता जी का कहने का मतलब है कि आप कुछ कीजिए, भाग्य के भरोसे तो छोड़ नहीं सकते ना। हाँ सरकार। मूर्खो, मैं जो भी कहता हूँ सोच समझ के कहता हूँ। जब हम वहाँ पहुँचे थे तो एक गांव वाले को कहते हुए मैंने सुन लिया था कि सारी मिट्टी मारुति मंदिर के पीछे रखी है। तो हम उसे आज ही चुरा लेते हैं सरकार। गोबर भरा है तेरी खोपड़ी में गोबर, कैसे चुरा लोगे तुम एक ही बार में इतनी सारी मिट्टी? हाँ, और चुराने का प्रयास भी किया तो आते जाते कोई देखेगा नहीं, और किसी ने देख लिया ना तो धीर तुम्हें उसी मिट्टी में गाड़ देगा। तो सरकार, आप ही बताइए हम क्या करें? तेल देखो, तेल की धार को देखो। मैं एक ही वार करूंगा, लेकिन अंतिम समय पर। हरिओम। परंतु सरकार, हमें करना क्या है? अमृत जैसे हर का नाम।
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम Being so grumpy, Albert. तुमको तो गोद को थैंक यू बोलना चाहिए जो उसने तुमको पाप करने से बचाया। Ridiculous, Christina. अगर गॉड उनकी मदद करना चाहता था तो फिर गॉड ने उनके रास्ते में इतने हर्डल्स क्यों डाले? You know what happened last night? मुझे अभी अभी न्यूज मिली है कि किसी ने उनका पूरा रोड डिस्ट्रॉय कर दिया है। अगर गॉड उन लोगों के साथ होता तो फिर व्हाई डिडंट ही स्टॉप देम? सो व्हाट आर दे डूइंग नाउ? ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए मन में आशा के दीपक बुझने न पाए सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। They're still fine now. कहते हैं दिन रात काम करेंगे। But there's no way they can finish this thing in 8 days. It's impossible. And when they fail, तब मैं उसी जगह पर सड़क बनाऊंगा जहां पर पहले सड़क बननी थी। साई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब रात होने को है और हम मसाले लाना भूल गए। विवा, जब हम अपने लक्ष्य के लिए मेहनत में जुटे हों, तो रास्ते के कांटे राम जी खुद निकाल देते हैं। वहां देखो। मुझे पता चला आप लोग रात को भी काम करोगे इसलिए मसाले लाई हूँ। उजली सी वो सुबह सुनहरी राह तके उस ओर मन में धर विश्वास के होगा उजी
आएगा अंधिया रा घन घोर, आएगी फिर भोर हटेगा अंधिया रा घन घोर, मन में धर विश्वास की होगा उजियारा चहो, आएगी फिर भोर हटेगा अंधिया रा घन घोर, आएगी हटेगा अंधियारा घन। क्या जरूरत थी उनकी हेल्प करने की? अल्बर्ट, ये तुम कह रहे हो, याद करो जब तुम यहाँ आए थे तब तुमने क्या कहा था? Your idea of governance is supposed to make people's life easier. लोगों की जिंदगी आसान करना है is the duty of British governance. मैं अभी भी अपने बात पर कायम हूँ क्रिस्टीना, believe me, the original plan would have helped the villagers immensely. लेकिन उस फकीर के साथ साथ गांव वालों ने कभी भरोसा नहीं किया मुझ पर। You are wrong, Albert. अगर उन्हें ट्रस्ट नहीं होता तुम पर, तो वो लोग बार बार यहाँ क्यों आते? Frankly speaking, I don't trust that Kulkarni. हो सकता है ये misunderstandings उसने ही। Never, Christina. Kulkarni is just doing his job. The problem is with that fakir. वो सबको झूठा होप देता रहता है। It is not a false hope. पूरा गांव मेहनत कर रहा है। We say God helps those who help themselves. उनमें से कई लोग दूसरों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर तुम उनकी हेल्प नहीं कर सकते, at least do not wish for their defeat. Go there and see it with your own eyes how hardworking these people are. धर के हृदय में रूप हरि का करते जा हर काम, सच्चे मन से जो भी पुकारे सुनते हैं प्रभु राम, हरि के नाम की महिमा ऐसी पत्थर भी तर जाए प्रभु जी करे सहाय, प्रभु जी ये कैसे मुमकिन है? गांव वाले एक हफ्ते से दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं और अभी तक थके नहीं हैं। क्या वो आराम नहीं करते? जिनकी रोजी रोटी छत छीनने वाली हो उन्हें चैन का आराम का। सरकार ने अपने कुएं से खेत तक छोटी नहर बनाने को कहा है फसलों की सिंचाई के लिए। हाँ हाँ वही कर रहे हैं। छोड़ो उन्हें, हमें देर हो रही है। हाँ अभी चलो 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 चलो।
आप सही कहते हैं साई, लेकिन सच तो ये भी है कि बहुत नुकसान हुआ है गांव वालों का। इसके पीछे जो भी है उन्हें सजा भी तो मिलनी चाहिए। सजा और शाबाशी तो ऊपर वाला देता है, और जो नुकसान इंसान को अपने अंदर की शक्ति से परिचित कराए वो नुकसान नहीं फायदा है। शायद ऊपर वाला चाहता है कि गांव वाले अपनी काबिलियत की चरम सीमा तक पहुंचे। जरा सोचो, जब 16 दिन का काम 8 दिन में हो जाएगा तब इनका मनोबल और आत्मविश्वास कितना बढ़ जाएगा। ये जिंदगी में किसी भी मुश्किल से नहीं डरेंगे। हमारे अपने भोग हम टाल तो नहीं सकते, लेकिन उनका परिणाम जरूर बदल सकते हैं। अपनी मेहनत और भक्ति की शक्ति से। You still believe that fakir, Christina? Come on, तुम्हारे कहने पर मैं शिरडी जाकर उन गांव वालों का काम देख के आया, and I was mighty impressed. उन लोगों की कड़ी मेहनत की बड़ी इज्जत करता हूँ मैं, जैसे तुम्हारे विश्वास की। लेकिन तुम्हें भी प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। Hard labor, failure, success, it's all tangible things. बट मिरेकल्स नहीं होते। वो फकीर तुम्हें झूठी उम्मीदें दे रहा है, एंड उसके यही हरकतों की वजह से मैं उससे नफरत करता हूँ। तुम न जाने कितने दिनों से अपने मदर की फोटो पे ये ऐश लगा रही हो। कुछ हुआ उससे? अब तक तुम्हें कोई गुड न्यूज मिली जिससे तुम खुश हो सको? नहीं ना। I still have hope. That's very foolish, Christina. Major Harrison के साथ जो हुआ, that was sheer coincidence. भले वो रास्ता बना ले, लेकिन वो फकीर तुम्हारी माँ को क्योर नहीं कर सकता। Christina मैम साहब, आपके लिए तार आया। क्या हुआ? What happened? My mother's condition is getting worse. डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनके पास केवल एक या दो दिन है। मुझे आज ही पुणे जाना होगा। अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, जल्दी जल्दी। कल शाम तक सड़क बनाने की अवधि समाप्त हो जाएगी और हमें किसी भी हालत में इस काम को आज रात तक ही पूरा करना है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। अरे जल्दी करो, हाँ जल्दी जल्दी चलाओ। हाँ शाबाश, जल्दी शाबाश। निकलो निकलो, मंडी निकलो। अरे हाँ जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो। ममता जी, हो गया।
संता जी पानी छोड़ो। गजब हो गया साई, साई गोदाम में पानी भर गया, सारी मिट्टी गीली हो रही है। साई, किसी ने गोदाम के बाहर नाली बनाकर मिट्टी गीली की। मैंने नाली तो बंद कर दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब कुछ नहीं हो सकता साईं, हमारे पास कल शाम तक का ही समय है और अब तो पूरा काम बचा हुआ है, और अभी तो सारी की सारी मिट्टी भी गीली हो गई है। अब समय पर सड़क नहीं बन पाएगी साईं। जो सूखी मिट्टी है उससे काम शुरू करो। लेकिन इतनी कम मिट्टी में सड़क नहीं बन पाएगी साईं। धीर, शुरुआत करना हमारे हाथ में है, पूरा होने की चिंता राम जी पे छोड़ दो। लेकिन साईं, आप हमें छोड़कर अभी कहां जा रहे हैं? आज तुम सबको मेरे बिना ही काम करना होगा, मेरा कहीं और होना जरूरी है। क्या हो गया? मिट्टी खत्म हो गई है साईं। सूर्यास्त होने को है और सड़क पूरी होने में अभी भी 100 कदम बाकी है। तू हार गया फकीर। आज अपने बच्चों को अपनी ममता का परिचय दे दीजिए माँ।